हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विटकोफॉल सी एम्पुल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। विटकोफॉल सी एम्पुल का यूज़ पोषण की कमी को दूर करने में किया जाता है। इसे डॉक्टर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस के लिए ही यूज़ करते हैं। इस एम्पुल को हमेशा डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के हाथों से यूज़ करें, इसे अपने मन से घर पर यूज़ न करें। आइए इस विटकोफॉल सी एम्पुल के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। यह एम्पुल कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस एम्पुल के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस एम्पुल से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। FDC कंपनी का ये 2 ml का एम्पुल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 14 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। इसके पार्ट 1 में विटामिन सी IP 150 mg, पार्ट 2 में विटामिन B12 IP 2500 mcg, फोलिक एसिड IP 0.7 mg, नियोसिनामाइड IP 12 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। आइए जानते हैं इस एम्पुल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। इसे विटामिन सी की कमी को दूर करने में, विटामिन B12 की कमी को दूर करने में, शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर करने में, एनीमिया की समस्या दूर करने में, शरीर में खून की कमी की समस्या दूर करने में इस एम्पुल का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर इस एम्पुल को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इस एम्पुल को आपस में मिलाकर इसे डॉक्टर के हाथों से इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। साइड इफेक्ट, इस एम्पुल के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि इस एम्पुल में मौजूद किसी कंटेंट से आपको एलर्जी है तो आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको चक्कर आना, थकान, मसल पेन, पेट खराब होना, सिर दर्द, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द महसूस होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस एम्पुल को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस एम्पुल के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको सैंपल में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस सैंपल का यूज न करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या फिर आपको लीवर से या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो इसको सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। अगर आप पहले से ही कोई अन्य आदत मेडिसिन या फिर विटामिन की गोलियां खा रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।